एनसीईआरटी के 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि अभी हमने लास्ट लेसन किया था गेटिंग टू नो प्लांट्स। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था बॉडी मूवमेंट्स, दैट इज चैप्टर नंबर 8। यहाँ पे हमने देखा था कि मूवमेंट्स क्या होते हैं, देन बॉडी मूवमेंट्स क्या होते हैं एंड वाई दे आर नेसेसरी, और डिफरेंट एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करने के लिए अपने कौन से बॉडी पार्ट को मूव करते हैं। एंड देन हमने देखा था ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, जिसमें कि हमने डिफरेंट जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। पहले तो हमने ये देखा था कि जॉइंट्स क्या होते हैं, उसके बाद में हमने देखा था कि डिफरेंट जॉइंट्स कौन कौन से हैं जो कि मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, जिसमें से फर्स्ट था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेकेंड था पाइविटल जॉइंट, थर्ड था हैंड जॉइंट, फोर्थ था फिक्स जॉइंट, एंड उसके बाद में हमने पढ़ा व्हाट इज स्केलेटन, फिर हमने फिफ्थ कार्पल्स के बारे में पढ़ा, एंड देन उसके बाद में हमने रिब केज देखा क्या होता है, शोल्डर बोन्स के बारे में देखा, पेल्विक बोन्स एंड बैक बोन, एंड देन उसके बाद में हम आ गए कार्टिलेज पे, फिर हमने मसल देखा, मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन देखा, एंड हाँ उसके बाद में फिर हमने डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स कैसे होते हैं, मसल्स कैसे वर्क करती हैं टू मेक अ बोन मूव। ओके, तो अभी हमें इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करना है, दैट इज गेट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो अब गेट ऑफ एनिमल्स होता क्या है बेसिकली। तो अभी हम इस लेसन में हम मूवमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मतलब इट इज समवॉट रिलेटेड टू मूवमेंट्स ओनली, है ना। तो गेट ऑफ एनिमल्स क्या है, इट इज द पैटर्न ऑफ मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स ड्यू टू डिफरेंट स्केलेटन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि ह्यूमंस में कैसे डिफरेंट बोन्स के वजह से, डिफरेंट जॉइंट्स के वजह से कौन कौन से कैसे कैसे बॉडी मूवमेंट्स हो रहे हैं, या फिर कोई जॉइंट जो फिक्स्ड है जिसके वजह से कि मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि डिफरेंट एनिमल्स में जो मूवमेंट्स हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वेदर सेम बोन्स प्रेजेंट है या फिर बोन्स प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है, इन डिफरेंट एनिमल्स। सो लेट्स बिगिन विथ अर्थवॉर्म। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हम एक एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन। ठीक है, आप उसे लीजिए और उसको एक ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर पे रखिए। ठीक है, एंड देन लेट इट मूव और उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, उसके बाद में ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर के बाद में आप एक ग्लास की स्मूथ प्लेट लीजिए एंड आप उस पे रखिए उसको, या फिर कोई भी दूसरा स्लिपरी सरफेस लीजिए। ठीक है, और फिर आप उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, आपको उसके मूवमेंट में कुछ डिफरेंस दिखेगा, ठीक है, ब्लॉटिंग पेपर पे और जो स्लिपरी सरफेस आपने लिया उस पे। ठीक है, अब वो क्यों हो रहा है, ठीक है, अब अर्थवर्म मूव किसके वजह से कर रहा है। अर्थवर्म की बॉडी में बहुत सारे रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड। ठीक है, अगर इस पिक्चर को हम जूम आउट करके देखें तो भी हमें यहाँ पे कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना। तो ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं या जो रिंग्स हैं, दे आर जॉइंट एंड टू एंड ईच अदर। ठीक है, और इन्हीं के जॉइंट से जो अर्थवॉर्म का बॉडी बनता है। ठीक है, तो अर्थवॉर्म में क्या है, जॉइंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं ना ही बोन्स होते हैं। ठीक है, तो जो भी है वो ये रिंग्स हैं, इन्हीं के वजह से मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, और एल्स इट हैज मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी ड्यूरिंग मूवमेंट। द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया कि मूवमेंट किससे हो रहा है, ये रिंग्स और ये मसल्स के वजह से हो रहा है, तो हो कैसे रहा है। ठीक है, तो अर्थवॉर्म के टाइम मूवमेंट के टाइम पे अर्थवॉर्म क्या करता है, तो इट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, पहले बॉडी का फ्रंट पार्ट ये एक्सटेंड करता है। ठीक है, और रियर पार्ट को जो है फिक्स रखता है ग्राउंड में। ठीक है, उसके बाद में वो फ्रंट पार्ट को फिक्स करता है और
जो है नेक्स्ट पार्ट को वो मूव करता है, ठीक है। इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड, ठीक है। तो फिर पहले फ्रंट पार्ट को मूव करता है, उसके बाद में और रियर पार्ट को फिक्स रखता है, उसके बाद में फ्रंट पार्ट को फिक्स करके रियर पार्ट को मूव करता है, ठीक है। दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। एंड रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉइल, ठीक है। तो यही अर्थवर्म जो है बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ व्हाट ऑफ डिफरेंट मसल्स वो मूव करता है, बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन वो मूव करता है, ठीक है। द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉइल, इट्स बॉडी सिक्रीट्स अ स्लाइमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अर्थवर्म में कुछ रिंग्स प्रेजेंट है, ठीक है, पर बॉडी का मूवमेंट किसके वजह से हो पा रहा है, आई एम सॉरी, तो कुछ रिंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद में मसल्स, तो बेसिकली अर्थवर्म क्या कर रहा है, पहले वो अपने फ्रंट पार्ट को मूव करेगा, ठीक है, और वो रियर पार्ट को फिक्स रखेगा। उसके बाद में वो क्या करेगा, इस फ्रंट पार्ट को फिक्स कर लेगा, ठीक है, और फिर वो रियर पार्ट को मूव करेगा। तो क्या हो रहा है, पहले फ्रंट पार्ट जो मूव हुआ तो दूर हुआ, ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जब दोनों पार्ट पास में आए तो कैसे हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स से क्या कर रहा है, अर्थवर्म मूव कर रहा है, ओके। तो हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड, अंडर इट्स बॉडी इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स। अब ब्रिसल्स क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम ब्रश में बोलते हैं ना, ब्रश के ब्रिसल्स बहुत ही हार्ड है या सॉफ्ट है, तो ब्रिसल क्या होता है, सम हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, हम उन्हें बोलते हैं ब्रिसल्स। तो अर्थवर्म में भी उसके बॉडी के नीचे के साइड में कुछ ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उसके वजह से वो अपने बॉडी को जो है फिक्स कर पाता है ग्राउंड पे, ठीक है। द ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स, द ब्रिसल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अब ये जो ब्रिसल्स हैं वो मसल से कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये ब्रिसल्स हैं ये क्या करते हैं, ग्रिप बनाने में हेल्प करते हैं अर्थवर्म के, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि और जो हमारा अर्थवर्म है उसमें कोई स्केलेटन बोन्स जॉइंट्स प्रेजेंट नहीं है, रेदर उनमें कुछ रिंग्स प्रेजेंट है और मसल्स प्रेजेंट है, और तीसरा क्या देखा, कुछ ब्रिसल्स प्रेजेंट है, जिसके कि ओवरऑल मिलने से, इनकी एक्टिविटी के मिलने से हमारा अर्थवर्म का मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। क्यों, कैसे, मसल्स तो क्या करेंगे, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, और ब्रिसल्स का क्या काम है, टू होल्ड इट स्टिफ ऑन द ग्राउंड, ठीक है। चलो ठीक है, अर्थवर्म देन, अब नेक्स्ट क्या, अर्थवर्म देन, और गेट ऑफ एनिमल, गेट का भी हमने मीनिंग देख लिया, क्या होता है गेट का मीनिंग, गेट का मीनिंग होता है पैटर्न ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है, पैटर्न ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स ड्यू टू डिफरेंस इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके। तो हमने अर्थवर्म देख लिया, एंड देन नेक्स्ट कम्स स्नेल। तो ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड, ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबली आपको रेनी सीजन में ऑब्जर्व करने मिलेगी, इवन अर्थवर्म भी आपको ज्यादातर रेनी सीजन में ही दिखेगा, ठीक है। अच्छा, अर्थवर्म को हम फार्मर का फ्रेंड भी बोलते हैं, एनी आइडिया क्यों, अर्थवर्म को हम फार्मर का फ्रेंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि अर्थवर्म क्या करता है, जो हमारे फील्ड्स की या जो खेत की जो सॉइल है, मिट्टी है, उसको फर्टाइल बनाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं स्नेल के बारे में, ओके। ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड, ठीक है, हैव यू सीन अ राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक। तो वो राउंडेड स्ट्रक्चर जो हमें इस पिक्चर में भी दिख रहा है, वॉट इज इट, इट इज अ स्केलेटन, या ये एक शेल है विच इज मेड अप ऑफ स्केलेटन, ठीक है, बट इज नॉट मेड अप ऑफ बोन, ठीक है। इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द बॉडी, ठीक है, बट इट इज नॉट मेड अप ऑफ बोन, ठीक है। तो द शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, इट इज ये एक सिंगल यूनिट है,
ठीक है, उस वो जो है स्नेल को मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है, रादर वो मोस्टली उसके प्रोटेक्शन में, मतलब वेन एवर स्नेल को लगता है कि कोई खतरा है, तो आप लोगों ने देखा होगा स्नेल उसके अंदर चला जाता है ना, जस्ट लाइक टॉर्टोइस। ठीक है, तो जो स्केलेटन है वो किस में, मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है। ठीक है, द शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट हैज टू बी ड्रैग्ड अलोन। ठीक है, प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट, व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलोंग द स्नेल ओवर योर हेड, ऑब्जर्व द मूवमेंट फ्रॉम बीनीथ। ठीक है, अब आप सबसे अच्छे से उसको कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, आपने कोई ग्लास प्लेट लिया, ठीक है, अब उसके नीचे से उसको देखो। सॉरी, ठीक है, क्या करोगे आप उसको नीचे से देखो। ठीक है, अब जब उसको नीचे से देखोगे तो आप उसकी मूवमेंट्स को इजीली ऑब्जर्व कर पाओगे। अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल मे कम आउट ऑफ द ओपनिंग। ठीक है, तो अ थिक स्ट्रक्चर, अब ये जो ओपनिंग है वहां से एक थिक स्ट्रक्चर दिखेगा और एक जो है स्नेल का हेड दिखेगा। ठीक है, कहाँ से ओपनिंग, कहाँ की ओपनिंग, शेल की ओपनिंग। द थिक स्ट्रक्चर्स इज इट्स फुट मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट, द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन। ठीक है, इज द मूवमेंट ऑफ स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू अर्थ। तो स्नेल की मूवमेंट फास्ट है या स्लो है कंपेरेटिवली, आप लोगों ने देखा ही होगा, आपको स्नेल कहीं ना कहीं दिखी होगी, आपको अर्थवॉर्म भी दिखा होगा। ठीक है, तो स्नेल की मूवमेंट है वो अर्थवॉर्म से स्लो है। ठीक है, तो स्नेल कैसे मूवमेंट करते हैं, अर्थवॉर्म में तो हमने देखा कि उसमें कुछ ब्रिसल्स प्रेजेंट है, फिर मसल्स और रिंग्स है जिसकी वजह से कि वो मूवमेंट कर रही है। बट स्नेल में क्या हो रहा है, स्नेल में भी कुछ फुट लाइक प्रोजेक्शंस है। ठीक है, बट दे मेड अप ऑफ मसल्स। ठीक है, उसमें भी कोई जॉइंट प्रेजेंट नहीं है, उसमें कोई स्केलेटन है। ठीक है, पर वो स्केलेटन उसकी मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोच तो हम सबने देखा ही है, सब लोग डरते भी हैं कॉकरोच से, है ना। ठीक है, तो कॉकरोच हम लोगों ने देखा ही है, तो क्या होता है कॉकरोच में, आप लोग खुद सोचो। कॉकरोच में तो कुछ फुट लाइक चीजें होती हैं, है ना। ओके, तो अभी हम देखो पढ़ते हैं। कॉकरोच वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर, दे हैव थ्री पेयर्स ऑफ लेग, दीज हेल्प इन वॉकिंग। ठीक है, तो कॉकरोच देखे है सबने, दे हैव थ्री पेयर ऑफ लेग, ठीक है, विच हेल्प देम वॉक। ठीक है, अब कॉकरोच वॉक तो करते हैं साथ साथ में दे फ्लाई ऑल्सो। ठीक है, द बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन, दिस आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स ज्वाइन टूगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट। ठीक है, अब जो हमारा कॉकरोच है, इट इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन। ठीक है, उसपे एक हार्ड आउटर स्केलेटन है। ठीक है, अब ये हार्ड आउटर स्केलेटन आके जो कि स्टिफ हो गया, तो मूवमेंट कैसे करेगा, तो इसीलिए वो बहुत सारी प्लेट से जुड़ के बना हुआ था। ठीक है, विच परमिट्स इट्स मूवमेंट। देर आर टू पेयर ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड। ठीक है, तो दो विंग्स होते हैं, हमने देखा कि वो चल भी सकता है, वो फ्लाई भी कर सकता है। तो फिर देर आर टू पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड द हेड, तो दो पेयर होते हैं विंग के। ठीक है, कहाँ पे अटैच होते हैं, बिहाइंड द हेड। द कॉकरोचेस हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर द वॉकिंग, द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज। ठीक है, अभी उसमें ना डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स होते हैं। ठीक है, कुछ मसल्स होती हैं जो वॉकिंग में हेल्प करती हैं और कुछ मसल्स होती हैं जो फ्लाई करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, हमने कॉकरोच देख लिया, स्नेल देख लिया, अर्थवर्म देख लिया। ठीक है, अर्थवर्म में कैसे मूवमेंट हो रही थी, कुछ मसल्स की हेल्प से हो रही थी और उसमें कुछ रिंग्स और ब्रिसल्स प्रेजेंट थे। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा स्नेल, अब स्नेल में क्या था, स्नेल में स्केलेटन प्रेजेंट था पर वो उसकी मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है। ठीक है, उसमें भी कुछ मसल के जो है फुट बने हुए थे जिसके वजह से कि स्नेल मूव करता है। उसके बाद में कॉकरोच, अब कॉकरोच में जो है थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट है प्लस उनमें टू पेयर्स ऑफ विंग भी प्रेजेंट है। ठीक है, अभी उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स होते हैं। ठीक है, उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स होते हैं, कुछ वो जो उन्हें वॉक करने में हेल्प करते हैं और कुछ वो जो उन्हें फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा आता है
बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड. सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान्स ऑल्सो स्विम इन द वॉटर. ठीक है, तो हमें पता है कि बर्ड्स क्या है, दे फ्लाई, ठीक है, एज वेल एज वो वॉक भी करते हैं ग्राउंड पे. ठीक है, तो सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान्स ऑल्सो स्विम इन द वॉटर. पर कुछ बर्ड्स रादर देन फ्लाइंग, मतलब दे ऑल्सो फ्लाई पर मोस्टली दे स्विम. ठीक है, जैसे कि डक और स्वान्स. ठीक है, द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग. ठीक है, वो फ्लाई क्यों कर पाते हैं, क्योंकि देयर बॉडी इज वेल सूटेड. अब फ्लाई करने के क्राइटेरिया क्या क्या हो सकते हैं आपके हिसाब से, मतलब सबसे बड़ी बात है, अगर आपको एयर में रहना है तो फिर है ना बहुत ही लाइट वेट होना चाहिए आपके बॉडी का. ठीक है, तो वो लाइट वेट की वजह से ही बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई. ठीक है, अब वो लाइट वेट कैसे होता है, द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग, देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट. मैंने अभी बताया कि अगर हमें फ्लाई करना है तो फिर हमारा बॉडी वेट बहुत ज्यादा कम होना चाहिए. तो बॉडी वेट को रिड्यूस करने के लिए बर्ड्स ने क्या चीज को लिया है, मतलब उनके जो बोन्स होते हैं, ठीक है, दे आर होलो, मतलब उनके अंदर कुछ होता नहीं है, दे आर होलो. ठीक है, होलो मतलब खाली. ठीक है, द बोन्स ऑफ द हाइंड लिम्ब्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग. ठीक है, द जो हाइंड लिम्ब के बोन्स है, ठीक है, वो जो है दे आर टिपिकली फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग. ठीक है, अगर आप एक बर्ड का स्केलेटन देखो, ठीक है, तो अब यहाँ पे बोन्स जो है प्रेजेंट है, पर वो बोन्स क्या है, कैसे हैं, हॉलो हैं. ठीक है, हॉलो मतलब खाली है, खाली है उनमें फिर मतलब कि कोई भी वेट प्रेजेंट नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होंगे. ठीक है, ओके, सो द बॉनी पार्ट ऑफ द फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड एज विंग्स. ठीक है, अभी हमने क्या देखा, जो हमारा हाइंड लिम्स थे, ठीक है, वो क्या थे, हाइंड लिम्स जो है दे आर टिपिकली फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग. ठीक है, वेयर इज जो फोर लिम्स हैं उनको किस में मॉडिफाई किया है, दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स. ठीक है, क्यों, क्योंकि बर्ड्स को फ्लाई भी करना है, प्लस दे ऑल्सो यूज देयर लेग्स फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग. ठीक है, तो दोनों ही चीजों की जरूरत है. तो हाइंड लिम्स क्या कर रहा है, वो वॉकिंग में हेल्प कर रहा है और पर्चिंग में हेल्प कर रहा है, वेयर इज जो हमारा फोर लिम्स है वो किस चीज में हेल्प कर रहा है, दे आर मॉडिफाइड एज विंग्स, और वो फ्लाई करने में हेल्प कर रहा है. ओके, द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग एंड द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन. तो शोल्डर बोन्स जो होते हैं वो बर्ड के, दे आर स्ट्रॉन्ग. ओके, सो द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग. ठीक है, और जो ब्रेस्ट बोन्स होते हैं दे आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन. तो ब्रेस्ट बोन्स का क्या काम होता है, होल्ड द मसल्स, जो क्या हेल्प कर रहा है, अभी हमने देखा बोन की मूवमेंट्स कैसे हो रही थी, पीछे देखा था ना हमने, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ मसल्स. ठीक है, एक मसल पुल करे, कॉन्ट्रैक्ट करिए फिर एक्सपेंड करिए, तो फिर बोन क्या हो रहा है, पुल हो रहा है, और मसल के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से ही हमारा बोन का मूवमेंट हो पाता है. तो ऐसे ही यहाँ पे जो ब्रेस्ट बोन है उसको मॉडिफाई किया है ताकि वो मसल्स को होल्ड कर सके, और वो मसल्स किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, टू मूव विंग्स अप एंड डाउन. विंग्स अप एंड डाउन मूव करते हैं, उसके बाद में ही बर्ड कैन फ्लाई. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट इज फिश. अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है कि आपको एक पेपर बोट बनाना है, उसको आप वाटर में रखिए, ठीक है, और आप उसको पानी में डालिए. ठीक है, तो क्या वो पानी में चली गई, ठीक है. अब आप उसको, मतलब पहले आपको क्या करना है, उसका जो नैरो पार्ट है, पॉइंटेड पार्ट है, आपको उसको लेके चलना है. ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको जो उसका साइडवेज है, ठीक है, आपको उधर से आपको उस बोर्ड को पकड़ना है, देन आपको पुश करना है. नाउ आप ऑब्जर्व करिए कि अब क्या करना है, नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व वेदर द बोट इज स्टिल मूविंग विद द सेम एक्सटेंट और नॉट. ओके, सो आर यू एबल टू मेक द मूव
मेक द बोट मूव इन द वॉटर वेन यू पुश इट फ्रॉम द साइड। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि दोनों ही चीजों में क्या उसकी मूवमेंट सेम थी। ठीक है, हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज समवॉट लाइक अ फिश। ठीक है, द हेड एंड द टेल ऑफ फिश आर स्मॉलर एंड द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी इज टेपर टू बोथ द एंड। मतलब कैसे कि आप जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक फिश दिया हुआ है हमें। ठीक है, अब इसका जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये दोनों और ये वाला फ्रंट पोर्शन और एंड पोर्शन, ये कैसे हैं, ये दोनों पोर्शन जो है हमारे फिश के वो स्मॉलर है, नैरोवर है। ठीक है, नैरो है, वेयर इज जो बीच का पार्ट है, मिडल पार्ट क्या है, वो ब्रॉडन है। ठीक है, मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी टेपर्स बोथ द एंड। ठीक है, वो खिंचा हुआ है। ठीक है, दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। तो ठीक है, इट इज स्पेशली यूज फॉर फिशेस। ठीक है, फिशेस की बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। ठीक है, द शेप इज सच दैट वॉटर कैन मूव अराउंड इट इजिली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन द वॉटर। ठीक है, अब फिश का जो शेप है वो ऐसा होता है कि वॉटर उसके साइड से इजिली निकल जाए। मतलब बोलते हैं ना पानी को चीर के, तो क्या फिश हमारे जो पानी को इजिली क्रॉस कर पाए, उसे इजिली चीर पाए। ठीक है, द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स ड्यूरिंग स्विमिंग। मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टूवर्ड्स द अपोजिट साइड। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम फिश के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो फिश की बॉडी कैसी होती है, फिश की बॉडी स्ट्रीम लाइंड होती है। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन मतलब कैसी, जो है वो एंड में से नैरो, जो है जो नैरोवर होती है, मतलब कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक एंड में से नैरो है, दूसरे में से, और बीच में से टेपर्ड है, ब्रॉडन है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। ठीक है, द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट इजिली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन द वाटर। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल। ठीक है, अब वो पानी को चीरते हुए निकलना, तो उसका शेप ऐसा होता है कि वो वाटर को इजिली पास कर सके। ठीक है, अब फिश का जो स्केलेटन है ना, उसमें बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मसल से वो कवर्ड होता है। ठीक है, तो स्विमिंग के टाइम पे क्या होता है, मसल्स मेक फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टूवर्ड्स द अपोजिट साइड। ठीक है, तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, कैसे, ओके, तो फिश है, तो जब हमारा टेल है वो दूसरे साइड में फेस कर रहा है। ठीक है, वेयर इज मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विम टूवर्ड्स द अपोजिट साइड। ठीक है, तो क्या हुआ, फ्रंट पार्ट जब हमारा लेफ्ट साइड में है तो हमारा टेल पार्ट राइट साइड में है ना, वेर इज हमारा फ्रंट पार्ट जब लेफ्ट साइड में है, हमारा टेल पार्ट सॉरी हमारा फ्रंट पार्ट जब राइट साइड में है तो हमारा टेल पार्ट लेफ्ट साइड में है। ठीक है, एंड सो ऑन। तो जब ये ऐसे क्विक मूवमेंट्स करता है ना, तो क्या होता है कि ये कर्व की वजह से ना एक जर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और वो जर्क की वजह से फिश आगे मूव करती है, और ऐसे ही जब बहुत सारे जर्क्स आते हैं तो उसके वजह से फिश क्या स्विम कर पाती है। ओके, इजी, सो दिस इज हेल्प बाय द फिन्स एंड द टेल। ओके, टेल हमने देख लिया और फिन्स ये रहे। ठीक है, जो साइड वाले प्रोजेक्शंस है फिन्स, तो फिश किसके हेल्प से मूव कर पा रही है, फिन्स के हेल्प से और टेल के हेल्प से। ओके, फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन द बॉडी विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। ठीक है, अब फिश में ना और भी फिन्स होते हैं जो कि बॉडी की किस चीज में हेल्प करते हैं, टू बैलेंस द बॉडी एंड कीप इन डायरेक्शन। ठीक है, अभी एक डायरेक्शन में जाना है तो फिश उधर ही मूव करेगी, है ना, दूसरे साइड में मूव कर ना करे, इसलिए उसके लिए क्या कुछ फिन्स प्रेजेंट है। ठीक है, एंड कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। ओके, सो हमने फिश भी देख लिया, फिश मूवमेंट कैसे करते हैं हमने वो भी देख लिया। तो नेक्स्ट क्या है, स्नेक्स। तो हाउ डू स्नेक्स मूव, तो हमने एक वर्ड पढ़ा था स्लिथर। ठीक है, तो स्लिथर का क्या मतलब होता है,
कुछ इस तरीके से जो मूवमेंट होता है। ओके, स्नेक का मूवमेंट तो सबने देखा ही है, स्नेक सबने देखा है उसकी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, स्लिथर बोलते हैं। ठीक है, तो स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन, दे हैव मेनी थिन मसल्स, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम ईच अदर। तो स्नेक में क्या होता है, स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन, ठीक है, और उनमें ना बहुत ही थिन मसल्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऑल्दो वो ना एक दूसरे से बहुत दूर दूर है फिर भी वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन, और मसल्स एक दूसरे से तो कनेक्ट है ही, ठीक है, दे ऑल्सो इंटरकनेक्ट बोन्स, रिब्स एंड स्किन, ठीक है। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इन टू मेनी लूप्स, ईच लूप ऑफ स्नेक गिव्स अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, ठीक है। तो कुछ ऐसा ये यहाँ पे लूप्स बना रहा है, ठीक है, तो एक हर लूप क्या कर रहा है, ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, ठीक है, लूप्स बना रहा है। तो क्या हो रहा है, जो हर लूप है वो एक दूसरे को पुश कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे को हेल्प कर रहा है मूविंग बाय प्रेसिंग इटसेल्फ टुवर्ड्स अगेंस्ट द ग्राउंड, ठीक है। ओके, सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स एंड ईच लूप गिव्स इट्स दिस पुश, द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड बाय वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्नेक की मूवमेंट लूप्स बनाते हुए, स्नेक की मूवमेंट हम सब जानते हैं, है ना, अगर यहाँ से जाए तो ऐसे ऐसे कुछ होगा, है ना, तो स्नेक का मूवमेंट ऐसा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, स्नेक का जो है इसको हम बोलते हैं स्लिथर, और ये हमारा स्नेक का मूवमेंट है, ठीक है। वी हैव लर्न अबाउट द यूज ऑफ बोन्स मसल्स फॉर द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है। तो अभी स्नेक में डिफरेंट मूवमेंट कैसे हुआ, स्नेक लूप्स बनाता है और वो उसके बाद में एक दूसरे लूप से जो है उसे पुश मिल रहा है, कैसे, वो अगेंस्ट द ग्राउंड पुश करता है और जिसके वजह से वो आगे मूव करता है, ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करता है, ठीक है, हमने देखा है वो कुछ लूप्स बनाते हुए ऐसे ऐसे मूव करता है। ओके, सो ओके, द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल इन हिज बुक गेट ऑफ एनिमल्स आस्क हिम सिक्स क्वेश्चंस, व्हाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे डू हैव एंड हेल्प एनिमल्स टू मूव द वे टू डू दे डू, ठीक है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द बॉडी पार्ट्स बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स, हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाई डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वाई टू लेग्स फॉर ह्यूमंस एंड फोर फॉर काउज एंड बफेलोज, मैनी एनिमल्स सीम टू बी हैविंग इवन नंबर ऑफ लेग्स, वाई इज द ब्लेंडिंग ऑफ अर लेग डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अर आर्म्स, सो मेनी क्वेश्चन एंड परहैप्स वी हैव लुक सम आंसर्स टू आर एक्टिविटीज इन दिस चैप्टर एंड वी नीड टू लुक फॉर मैनी मोर आंसर्स, ठीक है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अब हमने उन सबको देखा, मूवमेंट क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, डिफरेंट मूवमेंट्स कैसे हो रही है, ठीक है, ये सब हमने इस लेसन में देखा है, ये लेसन ही हमारा मूवमेंट्स पे बेस्ड था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दी हुई है, योगा, ठीक है, अब योगा तो हम बहुत सुनते हैं, ठीक है, योगा क्यों, योगा फॉर आ बेटर हेल्थ, ठीक है, योगा इज एन इनवेल्यूएबल गिफ्ट ऑफ द एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन, द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर 21 जून एज इंटरनेशनल योगा डे। ओके, तो योगा कीप्स अ पर्सन हेल्दी, इट हेल्प्स इन कीपिंग द बैकबोन इरेक्ट, इनेबलिंग यू टू सिट स्ट्रेट एंड नॉट स्लॉथ, ठीक है, तो इट इज वेरी नेसेसरी, ठीक है, हम झुक के बैठते हैं ना तो क्या होता है, टाइम के साथ साथ में हमारी जो है बैकबोन पे इफेक्ट पड़ता है और उसमें बहुत ही अलग अलग टाइप के हम बोल सकते हैं डिजीज हो सकते हैं, मे बी हमारे वर्टिब्री में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ओके, सो मैनी पोस्चर्स इन योगा रिक्वायर यू टू लिफ्ट योर ओन वेट विच हेल्प इन मेकिंग द बोन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प वार्ड ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिलीविंग ज्वाइंट पेन विच इज मोस्टली ऑब्जर्व इन एल्डरी पीपल, ठीक है, इट टर्न्स ऑल मसल्स इन द बॉडी एंड कीप्स देम एक्टिव
इट हेल्प्स द हार्ट हेल्दी एंड मेक इट वर्क मोर एफिशिएंटली। सर्टेन योगा पोस्चर्स शुड बी परफॉर्म्ड अंडर सुपरविजन ऑफ ट्रेन पर्सन। अब योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, ठीक है। गुड हेल्थ के लिए, बेटर हेल्थ के लिए, हमारे बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। बहुत बार हम क्या देखते हैं, हमारे बैक जो है पीछे की तरफ निकलने लगी है, या फिर हमारा जो नेक के यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ हमें फील होता है, ठीक है, हमें पेन करता है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इस सबको ठीक करने के लिए, हमारे बोन्स में जो पेन होता है उससे रिलीफ के लिए एक ही तरीका है, क्या? योगा। एक ही नेचुरल तरीका है, इनफैक्ट मुझे ये बोलना चाहिए, ठीक है। तो क्या है योगा? तो फिर हम सबको योगा करना चाहिए डेली, एटलीस्ट आप सुबह उठ के हाफ एन आवर योगा कीजिए, ठीक है। इफ पॉसिबल आप 1 आवर कीजिए, इवनिंग मॉर्निंग दोनों टाइम कीजिए, ठीक है। इट इज वेरी गुड एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ, ठीक है, एंड फॉर आवर हेल्थ। तो सो हमने ये लेसन पूरा देख लिया है, तो अब हम एक बार देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या डिस्कस किया। ओके, सो हमने ये लेसन्स लास्ट सेशन में ही शुरू कर दिया था, ठीक है, जहाँ पे हमने ये देखा कि मूवमेंट्स क्या होते हैं, बॉडी मूवमेंट्स क्या होते हैं और वाई दे आर इम्पोर्टेंट। ओके, उसके बाद में ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट देखा, जहाँ पे कि हमने डिफरेंट जॉइंट्स और बोन्स के बारे में बात की, जिसमें कि फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा पाइवेट, फर्स्ट हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखा, उसके बाद हमने पाइवेटल जॉइंट देखा, उसके बाद में हमने हिंज जॉइंट देखे, फिर हमने फिक्स जॉइंट देखा, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि स्केलेटन क्या होता है, फिर उसके बाद में हमने कार्पेल्स के बारे में बात की, इनफैक्ट हमने एक्सरे के बारे में बात की कि हमें कैसे पता चलता है डिफरेंट बोन्स के बारे में, तो एक्सरे, ठीक है। इनफैक्ट हम फील करके भी कर सकते हैं, पर वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा जितना कि हमें एक्सरे से मिलता है, ठीक है। हमने कार्पेल्स के बारे में बात की, फिर हमने देखा कि रिब क्या होता है, रिब केज क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, फिर हमने बैकबोन देखा, शोल्डर बोन्स क्या होते हैं वो देखे, फिर हमने पेल्विक बोन्स देखा, ठीक है। उसके बाद में हमने स्कल देखा, स्कल वाई इट इज इम्पोर्टेंट, हमने ये देखा। ओके, उसके बाद में कार्टिलेज क्या होते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमने वो देखा। मसल क्या होते हैं और वो मूवमेंट में कैसे हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, हमने वो भी देखा। उसके बाद में हम आ गए गेट ऑफ एनिमल्स, जो कि हमने आज की क्लास में शुरू किया था, ठीक है। उसमें हमने शुरुआत की थी अर्थवॉर्म से, ठीक है। हमने अर्थवॉर्म की मूवमेंट देखी, उसके बाद में हमने स्नेल की मूवमेंट देखी, एंड देन हम आ गए कॉकरोच की मूवमेंट पे। उसके बाद में हमने देखा बर्ड में कैसे मूवमेंट होता है, एंड देन वी केम टू फिश, हमने फिश की मूवमेंट के बारे में देखा, एंड देन हम लास्ट में हमने देखा स्नेक के मूवमेंट के बारे में, ठीक है। अब ये जो हम एरिस्टोटल जो थे, ठीक है, ग्रीक फिलोसोफर, उन्होंने अपने गेट ऑफ एनिमल्स की बुक में इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसको कि अल्टीमेटली आप हम इस लेसन में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, उसके बाद में आप इसमें से क्या समझे और आप इन क्वेश्चन के क्या आंसर इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो चीज आप लिखेंगे, ठीक है। फिर हमने देखा योगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर हेल्थ, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं समरी पे, ठीक है। बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इट गिव्स द फ्रेम एंड शेप टू द बॉडी एंड हेल्प इन मूवमेंट, इट प्रोटेक्ट्स द इनर ऑर्गन्स, ठीक है। बोन्स एंड कार्टिलेज के बारे में हमने बात की, स्केलेटन के बारे में बात की, उसके बाद में उसके फंक्शन के बारे में बात की, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात की, ठीक है। उसके बाद में ह्यूमन स्केलेटन कंप्राइजेज ऑफ स्कल, बैकबोन, रिब्स एंड द ब्रेस्ट बोन, शोल्डर, हिप बोन्स एंड द बोन्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, ठीक है। बोन्स आर मूव्ड बाय ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ टू सेट्स ऑफ मसल, ये हमने देखा कि कैसे मसल की हेल्प से बोन्स मूव कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स देखे, उनके डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट्स देखे, ठीक है। उसके बाद में हमने बर्ड में फ्लाई होने की मैकेनिज्म देखी, ठीक है। और उसके बाद में हमने फिश कैसे स्विम करती है वो देखा, फिर हमने
स्नेक के स्लेदर मूवमेंट के बारे में बात की, ठीक है, और हमने कॉकरोचेस के बारे में बात की, उनमें मूवमेंट कैसे पॉसिबल है, अर्थवर्म और स्नेल्स के बारे में बात की। चलिए अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइजेस पे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो उसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, जॉइंट फर्स्ट पार्ट है, जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन डैश ऑफ द बॉडी। जॉइंट किस चीज में हेल्प करते हैं, जॉइंट्स हेल्प इन मूवमेंट। ओके, सेकेंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म, कॉम्बिनेशन ऑफ बोन कार्टिलेज क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स स्केलेटन, ठीक है। थर्ड क्या है, द बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंट बाय हिंज जॉइंट। ओके, कौन सा जॉइंट, हिंज जॉइंट, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डैश पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग द मोमेंट। आपको क्या लगता है क्या होगा आंसर, मसल्स। ओके, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स पुल द बोन्स ड्यूरिंग द मोमेंट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे, इंडिकेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ओके, फर्स्ट है द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स इज एग्जैक्टली सेम। नहीं, क्योंकि हमने यहीं पे इसी लेसन में डिफरेंट एनिमल्स के मूवमेंट्स को देख लिया, और इस बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हमने इसमें कवर नहीं किया, जो हमारे इस लेसन में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो इतने ही एनिमल्स में जब इतने डिफरेंसेस आ गए, अगर हम सभी एनिमल्स के बारे में बात करेंगे तो और कितने ज्यादा डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, द कार्टिलेज आर हार्डर देन बोन्स, इज इट सो, नो। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है, द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स। फिंगर बोन्स में जॉइंट्स होते हैं नहीं होते हैं, होते हैं, अगर नहीं होंगे तो मूवमेंट्स कैसे होंगे, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। द फोर आर्म हैज टू बोन्स, फोर आर्म में कितने बोन्स होते हैं, फोर आर्म में टू बोन्स होते हैं, फील करके देखा था ना। ओके, सो नेक्स्ट इज कॉकरोचेस हैव एन आउटर स्केलेटन, इट इज ट्रू, कॉकरोचेस में आउटर स्केलेटन प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री, जिसमें हमें क्या करना है, मैच द आइटम्स इन कॉलम वन विद द वन और मोर आइटम्स इन कॉलम बी। आप पर जाओ, फिश रिप्स स्नेल कॉकरोच और कॉलम बी में क्या है, फिन्स ऑन द बॉडी, हैज आउटर स्केलेटन, कैन फ्लाई इन द एयर, इज एन इमूवेबल जॉइंट, प्रोटेक्ट द हार्ट, शोज वेरी स्लो मूवमेंट एंड हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, हमने सब कुछ डिस्कस किया है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको ये खुद से करना है। ओके okay? ओके okay, तो क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाते हैं, आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हमने डिस्कस किया है, ठीक है। आप लोग लिखेंगे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, फिर विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल, स्कल बोन कौन सा था, याद है हमारा स्कल बोन, ठीक है, तो उसका कौन सा बोन जो है मूवेबल है, याद करें और लिखें, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाई कैन आर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड, ठीक है, हमारी एल्बो बैकवर्ड क्यों मूव नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये सब हमने डिस्कस किया है, तो ये सब आप क्वेश्चन नंबर फोर भी आपका होमवर्क है, सब हमने डिस्कस कर लिया है, ये लेसन हमने पूरा कवर कर लिया है। सो क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फोर आपका होमवर्क है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ।